दोनों नाक में लगाओ, ऐसा उंगली पे ले लेके, और उसके बाद में खाने पे लगाओ, पीठ पे लगाओ। एक एक उंगली से लगा दोनों नाक में। मुंह को दस्ती बांध के बैठो, शूटिंग ले रहा हूँ मैं। जाओ जकड़ लो कुत्ते जिसे, जाओ बाहर से उसके हाथ आओ कर काट के ले लेंगे। लगा पूरी ताकत जोर से और जोर से। हाँ लगा पूरी ताकत लगा और जोर से। कहाँ से लाए थे? कहाँ से लाए थे तुझे? शमशान से, कब्रस्तान से? क्यों आया उसके आंग में? मनमाना चल रहे तेरे कमीने। फिर जलाओ उसके हाथों में भी आग लगाओ तेज से। जगड़ लो उसको और तेज से। कहाँ से आया था? शमशान से, कब्रिस्तान से? खुद बो खुद आया, कोई लाके छोड़ा? लाके छोड़ा लाए। औरत आदमी? औरत ने ली थी, आदमी लाया था? मालूम नहीं। कैसा नहीं मालूम? ते को काट के भस्म करूंगा कम बखत। आया क्या याद? नहीं। आया क्या याद? क्या काट लो दोनों हाथ? वो झगड़ो उसको तेज से। कितने साल से? कितने साल से? 6 महीने से था। झूठ बोल रहा? 6 महीने से? 6 महीने? 6 महीने? कौन सी रमजान? अभी रमजान, अभी रमजान, अभी रमजान दिन से तुमको रमजान हो गया? कितने दिन हो रहे? अच्छा हो रे। 6 महीने से जादू चल रहा था टोटल। कहाँ से कर रहे थे? शमशान से, कब्रिस्तान से? मालूम नहीं। क्या ले गए थे ये? इनका नाम क्या है? इनका अख्तरी बेगम का क्या ले गए थे जादू करते टाइम पे? कपड़ा, बाल, मट्टी, क्या लिए थे? मालूम नहीं। किस चीज में मिला के खिलाए थे? बिरयानी में? कई की चिकन की, मटन की, कई की गोश्त की? गोश्त की। खांदे रात नहीं, मैं बिरयानी है उसको खांदे रहा नहीं, खाना खांदे रहा नहीं, बिरयानी खांदे रहा नहीं, परेशान कर रहा उसको मैं। बिरयानी खाई क्यों? तकलीफ दे रहा? तकलीफ दे रहा, बहुत परेशान कर रहा। खाना बिल्कुल खांदे रात नहीं, मुंह बंद कर दिया मैंने। मार के साथ में ले जाने का ना? हाँ। कब ले जाने वाला है? मालूम नहीं। अम्मा से मालूम नहीं बोला उनकी? मारो उसको और मारो कभी नहीं। हाँ कब ले जाने वाला? अम्मा से कुंडम में मालूम। अच्छा इसके घर में से और इस घर में से और किस किस को मारने वाला है? औरत की, औरत के, अख्तरी बेगम के मर्द को, बच्चों को, किस किस को मारने वाला है? बेटी को। कौन सी बेटी को? बड़ी बेटी। क्या नाम है उसका? अर्शिया तब। अच्छा उसको कैसा मारने वाला है? उसको भी ऐसी तकलीफ देगी। तकलीफ देके? अच्छा उसको कितने महीने में मारने का है? नहीं मालूम। फिर भी 1 महीना, 6 महीने, इसके बाद में कितना गैप देखे? नहीं मालूम। उसका अर्शिया का क्या लेके थे जादू करते टाइम पे? अर्शिया का क्या लेके गए थे जादू चलाते वक्त? बाल। अच्छा कौन ले गया था? उसके माँ के तरफ के, उसके बाप के तरफ के रिश्तेदार? उसके बाप के तरफ के। अच्छा और इसके अर्शिया की माँ को कौन करे जादू? अख्तरी बेगम को? उसके बाद ससुराल के लोग आए क्या? उसके मायके के? ससुराल के, ससुराल के। दुश्मनी क्या थी? जमीन जायदाद की थी क्या? हसद जलन था? वो नहीं मालूम। कोई दूसरे लोग भेजे थे को? नहीं। ऐसा बोले कहते को दूसरों का नाम बोल, किनका बोल बोल के ऐसा? जैसे दुश्मन ही आना। ज्यादा बात मत करो, शैतान पलट के मारना तुम्हारा। हाँ बोल रहे? हाँ बोल। क्या पूछा मैं जवाब? बोला ना बेटी को सता रहा उसके, मैं उसको सता रहा बस। अच्छा हाँ। अब जल्दी से मार के लिए जाने का था उसको है ना? हाँ। अब मास में पुन्नम में जैसा मौका मिला वैसा। हाँ हाँ हाँ। अब तू ऐसे लिख जाएगा मार के तो मैं क्या करूँ बैठ के? हो रे
मनमाना चल रहा है तुम्हारे यहाँ? मेरे से इजाजत लिया तुम लोगों को मारने की? नहीं, फिर कैसे मार सकता तू लोगों को? हाँ, बाप का तेरा रात चल रहा कमबख्त नालायक। खाना बिल्कुल नहीं खान दे रहा, मैं सब मुंह बंद कर दिया उसका कि बस अनाज को देख ही नहीं सक रही वो। बिल्कुल अनाज पे से दिल उठा दिया मैंने। और क्या कर रहा था? और पेट में तकलीफ, बदन में तकलीफ, पेट में अंगार, परेशानी, दिल नहीं लग रहा, बिस्तर पे सो नहीं दे रहा, घबराहट घबराहट, बेचैनी, परेशानी, किरकिरिया भी लगा रहा है। हाँ, घर में किरकिरी, घर में बरकत नहीं, पैसा नहीं टिकन दे रहा घर में। दोबारा और क्या कर रहा था? बस इतना, बच्चों में लड़ाई भी लगा रहा था। हाँ, बच्चों को मार, शोर को झगड़े कर, शोर को चिड़चिड़ा बना कर। शोर को कब मारने आने उसके? नहीं, उसको नहीं मार। अच्छा, खाली उसको तभी बर्बाद करने। हाँ। और क्या कर रहा था? और तेरे साथिया कितने? और तो अकेला है तेरे साथ में? और 10-12 कितने? 2 है। हाँ। क्या नाम है उनके? क्या नाम है उनके? क्या नाम है उनके? तेरा नाम क्या है? हाँ? तेरा नाम क्या था? तुम्हारे वाला इंसान में से, जिन्नात में से? जिन, जिन जिन है। हाँ। जिन रह के लोगों को तो परेशान करता। हाँ। कौन सा जिन्नात है, काफिर है, मुसलमान है? काफिर। फिर तो तेरे को जानने देते हैं, फिर तो तेरे मुसलमान बना देंगे, कलमा पढ़ा के तुझे भी मुसलमान बना देंगे। बोल, गुलाम बन जाएगा मेरे पास में? नहीं। अच्छा भाई, नहीं, फौज में शामिल हो जा? नहीं। अच्छा, नेक बखत बन जा? नहीं। नेक बखत बन जाएगा तो इबादत करेगा तो जन्नत मिलेंगी, मरने के बाद में जहन्नुम में नहीं जाएगा। जहन्नुम में जाएगा तो कुत्ता पूरा जला जला के खत्म कर देंगे तुझे। हाँ, लगा और जोर से, जोर से, और जोर से, पूरी ताकत, और जोर से। जिन्नात है ना, कि ताकत दिखना सब कुछ, जोर से दिखा, आवाज लगा के, और जोर से। हाँ, लगा पूरी ताकत। जिन्नात है तो अभी ताकत बता पूरी नाला, और जोर से, बस इतनी से, जोर से, जोर से। गुलाम बन जा, यहाँ से रह जा, क्या करता हूँ रुक जा के लोगों खराब बर्बाद कर दी। हाँ, तेरी उम्र कितने 100 साल है? कितनी है तेरी उम्र? क्या है, 5 दिन का है क्या? 500 साल। 500 साल का है? 500 साल का रहेगा तो परेशान करता लोगों को। क्या है भी, गुलाम बन जाता मेरे पास में? हाँ बोल, तुझे बच्चे भी है क्या? कितने बच्चे हैं? तेरे बच्चों को ला लू क्या खरीद करके? बाटलियों में डाल के सब आपको जमीन में गाड़ दू क्या? गाड़ने लगाऊ दे दू हुकुम खरीद करो बोल के? दू हुकुम बोल, खरीद करा दूंगा तेरे बच्चों को, सब मंगा लू खरीद करा के, सब कुछ शीशों में डाल के गाड़ देंगे जमीन में, बाप के कारनामे बच्चों को भुगतने लगेंगे। बरबर बोल, जल्दी बोल, कमबख्त, बाप का राज चल रहा क्या? बता, फोन करी थी वो जादू औरत की अपनी था? औरत, कितने जन मिले आए उसके साथ में? कौन था वो आदमी था जादू करा उसे इसके ऊपर? औरत है, औरत। कहाँ रहती, कौन से गांव में? मदीना पार्टी। अरबनी की से? नाम पूछाने का है क्या? जी, कैमरा रोक दो, मैं पूछा रहा, मैं नाम पूछूं? नहीं, पूछें। कौन तुम्हारे नु? बीवी, हमारी बीवी। कहाँ रहते तुम लोग? औरंगाबाद, सिलेट में। कार बच्ची कौन तुम्हारी, कहाँ पे लाए साथ में? नहीं लाया, औरंगाबाद में। उसकी तबीयत खराब है क्या? नहीं, अच्छी। बुलवाना इसके बाद उसको मारूंगा। क्या दे रहा था तकलीफ उसको? हाँ, उसके डकार आते हैं, हजम नहीं होता। आप क्या कर रहा था? उसकी परेशानी होती है। खिलाए थे उसको भी? हाँ।
कहीं में मिला खिलाए थे? बिरयानी में बोला ना। कब खिलाए थे? कितना टाइम हो रहा खिला के? वो तो मैं मालूम खिलाए थे। 4 महीने 5 महीने 6 महीने कब किस टाइम पे किस मौके पे? कहीं की बिरयानी थी वो रज्जा की? कौन सा रज्जा का था वो? शादी की शादी। किसकी शादी थी? उसके बेटी की शादी। उसका नाम? उसके बेटी का नाम रुखसार। वो औरत का नाम? कैसर। हाँ कैसर। सही बोल रहा गलत बोल रहा? कसम खा के बोल, सही बोल रहा कि नहीं? कहाँ रहती वो औरत? अभी ना पाती। तुझे कहाँ से रही थी? शमशान से, कब्रस्तान से। जादूगर कौन था? हिंदू था मुसलमान था? कौन था वो? सच को बताओ, अगर मुसलमान में कमी नहीं तो घर जला रहा रही। हाँ फिर साथ में भोजी नाता है, वो कौन से? वो खलीफा है मुसलमान है वो? कौन से गला उसके पकड़ के लाए थे तुम? आओ किसका लेकर थे? कौन लिया था? किसने चुराया था? नहीं जी उनकी मर्जी की ऐसा नहीं करना ना। लेकिन बात तो गलत बात है ना ये सर। अम्मा को देख के मार देने वाला है? अम्मा ताकत लगा के बता कितनी है? जोर से ऊपर जल्दी तोबा तोबा कर, तोबा तोबा करके निकल। जोर से तोबा कर कमबख्त, कर तोबा। परवनी के औरंगाबाद के? कौन से वाले दो कब्रस्तान है परवनी को? वहाँ गया ले एक बार निकाल के पड़े के दो से चला दूंगा। तुम निकल जा, दोबारा दिखना नहीं। हम अख्तरी बेगम, अरे अख्तरी बेगम क्या होगा? पानी पियो। पानी सुबह शाम दो टाइम उनके मुंह पे मार कर नाम पे मार करना। लोना आ गया के चिटक गए क्या? फिर भी कॉल से कर लो ये।
और ये पानी सुबह शाम दो टाइम बढ़ा देना पिला देना, 7 बार तल कुर्सी, 7 बार चारों कुल पढ़ के दम करना और हर नमाज के बाद पिला देना। नमाज की पाबंदियाँ करो जरा रोज डूबने और नमाजों में। शक्कर में शक्कर मिला के पिलाना, सुबह शाम दो टाइम मुक्का घुमा देना। और जलन करेंगे दुनिया के अंदर, ये बहुत गलत बात है क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने जादूगर के पास गा वो हमें से नहीं है, वो हमें से नहीं है, वो हमें से नहीं है। मैं उसकी शफात भी नहीं करूँगा, जादूगर भी हमें से नहीं है और जादूगर के पास जाने वाला भी हमें से नहीं है। तुम लोग अगर जादूगरों के पास जाएंगे और ऐसी हरकतें करेंगे तो तुम अपना ईमान का सौदा कर दे रहे, और ईमान का सौदा तुम्हारे हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तुम्हारी दुनिया व आखिरत दोनों बर्बाद हो जाएंगी, क्योंकि तुम आप दुनिया में भी आज़ाद में तुम्हारे अमाल घिर लेंगे और आखिरत में भी तुम इन सब बातों के पकड़ूंगी, उधर शिर्क होता दरगाहों पे अल्लाह वालों के पास में, बुजुर्गान दीन के पास में जाने से शिर्क नहीं होता, अल्लाह वालों के पास में जाने से तुम्हारा ईमान मजबूत हो जाता, इतना मजबूत हो जाता कि तुम्हारे ईमान की फिर कोई टकरा के चकना चूर हो जाता जो भी आएंगे दुश्मन के वार आने की बातें। इसलिए इबादत की रस्सी को मजबूती से थाम लो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी आल और हदीस और कुरान दोनों में से जो भी तुमको मिल जाए उसकी रस्सी को मजबूती से थाम लो। अगर मेरे आल का भी दामन तुमने मजबूती से थाम लिए तुम्हारे को क्या बोलते तो दुनिया में आखिरत तुम्हारी महफूज कर देंगे या हदीस और कुरान और तो तुमको समझ में आएगा। तो ये सब चीज़ों को फॉलो करना है तुम्हारे को, इसकी रस्सी को मजबूती से थामना। ये ऐसे हरकतें करेंगे एक दूसरे पर जादू टोने करेंगे बहुत गलत और बेबुनियाद बात है ये, क्योंकि तुम दुनिया में भरेंगे और आखिरत में भी भरेंगे, क्योंकि दूसरों के आज तक खड्डा खोदने वाला खुद भी खड्डे में गिर तुम दूसरों घर जलेंगे तुम्हारा भी तो घर गर्म पानी से जलता, फिर बस बहुत सारी बातें हैं बोलने के लिए, कहीं में सुनने ज़्यादा अल्लाह से अमल करने की तौफीक दे, नेक हिदायत दे। दिल में से बहुत हसद जलन ये निकालो, हसद और जलन दिल के अंदर का बोझ वही था जिसने अजाज़ील को इबलीस का लक़ब दे दिया, सजदा नहीं करा, घमंड आ गया, फखर आ गया, उसको जरी सी हसद और जलन आ गई, उतने बड़े फरिश्ते को क्या बोलते थे वो इस जमीन का सब कोना नहीं था जहाँ उन्होंने सजदा नहीं करा था अल्लाह के वास्ते, इबादत के वजह से उसके मकामात बुलंद हुए, बाद में अज़ाज़ील बना फरिश्तों का सरदार और उसने एक अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करा, वो भी उसके दिल में बोझ आने की वजह से, उसके दिल में हसद और जलन आने की वजह से, उसके दिल में तकब्बुर घमंड आने की वजह से, फिर उसका ऐसा होगा आलम के उतने बड़े रुतबे उसके पूरे बर्बाद होके इबलीस और मलून का लक़ब मिलगा उसको। तो इसलिए तुम भी उसके साथ शुमार होना चाहते क्या हशर के मैदान में, तुम्हारी भी उसके साथ शफात होंगी तो बर्दाश्त होगा क्या, तुम आप शैतान की लाइन में खड़े करके तुम्हारा हिसाब किया जाएगा, तो तुम नबी के लाइन में आना चाहते कि शैतान के लाइन में जाना चाहते, तो इसलिए तुम नबी के राह पे किसी चलेंगे अब तौर तरीकों पर इबादत की रस्सी को मजबूती से थामेंगे नमाज कुरान, तो तुम फिर वहाँ पर फैसला तुम्हारे हक में होगा ना हशर के दिन मोहम्मद के साथ में अल्लाह की चाहिए महबूब बंदों के साथ में तुम्हारा फैसला होगा। हाँ तुम ऐसे हरकतें करेंगे दुनिया वालों में, दुनिया वालों को सबको बता रहा हूँ ऐसे हरकतें करेंगे तुम तो फिर तुम शैतान की सफों में शुमार किए जाएंगे, शैतान के साथ तुम्हारा हिसाब होगा, तो उसके साथ तुम जाना उसके कहीं सुनने से ज़्यादा अल्लाह से अमल करने की तो इबादत करो।